आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट्स की साउंड्स के बारे में। हार्ट की साउंड्स कितनी होती हैं? बेसिकली हमने सिर्फ दो साउंड्स को सुना है, लव और डब की साउंड को। आज हम उन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे। हार्ट की साउंड को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। हार्ट की साउंड्स दो तरह की होंगी, नॉर्मल हार्ट साउंड और एबनॉर्मल हार्ट साउंड। जब भी हम किसी दरवाजे की बात करते हैं तो उस दरवाजे के खुलने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन बंद होने पर एक आवाज होती है। इसी तरह हार्ट की भी जो वॉल्स होती हैं, उनके शट होने पर एक आवाज आती है, जिसको हार्ट की साउंड्स कहा जाता है। ये क्लोजिंग ऑफ वॉल्स की वजह से होगी। अगर क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व हो रही है तो उससे प्रोड्यूस होती है S1 एंड S2 साउंड, और अगर फिलिंग ऑफ ब्लड की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो होती है S3 एंड S4 साउंड। अब वॉल्स की क्लोजिंग की वजह से जो आवाज आती है वो होती है लव की साउंड एंड डब की साउंड। वहीं पर अगर लव और डब की साउंड लव डब नहीं है, उसके अलावा एक लक्षण की साउंड आए, यानी कि मर्मरिंग साउंड क्यों होगी? कि हम कह रहे हैं कि दरवाजा खुलने की आवाज नहीं होती, बंद होने की आवाज होती है। लेकिन उस दरवाजे में ही अगर किसी इस तरह की हिंड्रेंस हो जाए कि वो प्रॉपर बंद ही नहीं हो रहा है तो साउंड क्रिएट नहीं होगी। या आप ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर से लीकेज हो रही है तो लीकेज वाली चीज होने पर एक साउंड क्रिएट नहीं हो पाएगी, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड होगी। तो यहाँ पर भी हार्ट की वॉल्स जो होती हैं, अगर उनमें किसी तरह का डिफेक्ट आ जाता है तो वहां पर लीकेज हो रही होती है, और उस लीकेज की वजह से जो साउंड क्रिएट होती है वो कहलाती है लक्षण की साउंड। और यहाँ पर ज्यादातर डिफेक्ट जो आता है वो आता है सेमिल्यूनर वॉल्स में। सेमिल्यूनर वॉल्स वेंट्रिकल और आर्टरीज के बीच में होती है, यानी कि वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, या वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में। अब क्लोजिंग ऑफ वॉल्स की साउंड हमने बताई S1 एंड S2। S1 एंड S2 यानी कि लव एंड डब की साउंड। जो लव की साउंड होती है वो क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्स की वजह से होती है। एवी वॉल्स यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व होती है, जैसे कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। इसकी जो साउंड होगी उसकी पिच तो लो होगी, लेकिन वो एक लंबा टाइम लेगी, सुनने में बहुत इजी होगी। वहीं जो डब की साउंड होती है वो जो हमारी सेमिल्यूनर वॉल्व्स होती हैं, उन सेमिल्यूनर वॉल्व्स के बंद होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर पिच हाई होगी लेकिन ये टाइम कम लेंगी, तो इनको सुनने में मतलब क्लियर साउंड होती है लेकिन ये बहुत कम टाइम लेंगी एज कम्पेयर टू लव की साउंड। वही दूसरी ये क्या हमारी वेंट्रिकल के फिलिंग की साउंड। तो नॉर्मली होता ये है कि 70% वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो खुद फिल हो जाते हैं, डायरेक्टली ब्लड फिल हो जाता है 70% खुद से, जिससे प्रोड्यूस होती है S3 साउंड। और 30% ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल फिल होता है, सो प्रोड्यूस होती है S4 साउंड। ये S3 और S4 की साउंड जो होती है ये इन S1 एंड S2 की साउंड से बहुत बहुत लोअर पिच पर होती है, तो इनको हम इजीली नहीं सुन पाते। आई होप आप लोगों को हार्ट की साउंड्स के बारे में सब कुछ पता लगा होगा कि हमारे पास सिर्फ दो साउंड्स नहीं होती, वी आर हैविंग 4 साउंड्स। हार्ट की जो पूरी हार्ट बीट के अंदर एक साउंड क्रिएट होती है, दैट इज नॉट ओनली लव एंड डब साउंड, दैट इज क्रिएटेड विद द 4 साउंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फिलो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हार्ट से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन आस्क फिलो।